छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन के अंदर में राजीव भवन के अंदर में कांग्रेस के आपसी नेताओं के बीच में विवाद की स्थिति और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का रोने वाला एक वीडियो सामने आया है जिस पर वो अपनी पीड़ा बयां करती हुई नज़र आ रही हैं और उस पर वो लगातार कह रही हैं कि वो बेहद आहत हुई हैं किसी बात को लेकर और वो पार्टी से इस्तीफा देने तक की नौबत उन पर आ गई है और इस तरीके की जो बातें हैं वो एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी आखिर अपनी ही नेत्री का क्यों सम्मान अपनी पार्टी के अंदर नहीं कर पा रही हैं, किस तरीके से उनका उनकी बातों को रखा जाएगा सुना जाएगा और कांग्रेस पार्टी के अंदर आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, इसको लेकर लगातार अब बयानबाजी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि आखिरकार इस वीडियो में आखिरकार है क्या, राधिका खेड़ा क्या कह रही है। जब उसके बाद में क्यों मेरे चिल्लाता है एक बंदे जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ, आई एम लीविंग द पार्टी, आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर। तो आपने सुना और देखा भी वीडियो किस तरीके से था, क्या कुछ राधिका खेड़ा ने कहा है और इसको लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगातार निशाना बना रही है, उस पर सवाल खड़े कर रही है और राधिका खेड़ा को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को लेकर अब सोशल मीडिया पर बीजेपी का एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के ट्वीट और उनके सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। आखिरकार राधिका खेड़ा क्यों रो रही थी, क्यों राधिका खेड़ा के साथ में इस तरीके की परिस्थिति हुई और उनको किस बात का खतरा है, किस चीज़ का खतरा है, क्यों वो सोशल मीडिया पर भी लिख रही हैं, क्यों वो रोते हुए भी लिख रही हैं, ये जो तमाम बातें हैं आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि आखिरकार किस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जो ट्विटर वॉर है वो एक्स पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता इस पर आखिरकार क्या कुछ कहते हैं ये भी सुन लीजिए। राधिका खेड़ा जी का जो विषय कांग्रेस भवन में से निकलकर आया है और जिस प्रकार से राजीव भवन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियां सुरक्षित नहीं है, नारी न्याय की बात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहकर बोलने वाली नेता छत्तीसगढ़ आ रही है, अपने घर की बेटी उसके लिए भी अब प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए जब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियों के मान सम्मान और सुरक्षा नहीं है, तो ये किस प्रकार देश और प्रदेश में बेटियों को सुरक्षित करेंगी ये विषय है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी में माताओं बहनों के लिए सम्मान का कोई स्थान नहीं है। बहरहाल लोकसभा का चुनाव है और छत्तीसगढ़ में लगातार दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, उसी तर्ज पर आज छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई हैं, उनकी सभा है, सभा को लेकर कांग्रेस के लोगों में काफ़ी उत्साह जोश देखने को भी मिल रहा है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस का उत्साह है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस सवाल को सोशल मीडिया पर उठाती हुई नज़र आ रही है, इस सवाल पर बयान देती हुई नज़र आ रही है कि आखिरकार राधिका खेड़ा को इंसाफ कैसे मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा, कैसे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की सरकार है, यहां पर सभी सुरक्षित हैं, महिलाओं की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और वो लगातार इस बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया के जरिए कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं अंदरूनी घर की बातें कहा है और इस पर कहीं ना कहीं अंदरूनी बातों को के साथ में इस मसले को सुलझाने की बात भी उन्होंने कही है। कांग्रेस का भी बयान सुन लीजिए कि आखिरकार नेता क्या कह रहे हैं। हमारी कोलीग है, हमारी बहुत काबिल कोलीग है, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, छोटा मोटा विवाद हो जाता है आपस में तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम लोग विवाद को निपटा लेंगे, जांच भी हो रही है इसने क्या गलत बोला है तो उस पर भी हम पूरी जांच करेंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने जवाब दे दिया कि हमारी काबिल कोलीग है, अगर उनके मन को किसी ने दुखाया है तो हम उसकी जांच करें। लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी इस मामले को बिल्कुल भुनाने के पीछे नहीं हट रही है, सवाल यही है कि आखिरकार
इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और क्या वाकई में बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ टीवी 9 के लिए अमित मिश्रा।